नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 18 जुलाई। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के शीतलपुरा मोड़ के समीप रविवार की सुबह तकरीबन 9 बजे ओवरटेकिंग के दौरान दो बाइक के सवार युवक सामने से आ रहे ट्रक के भीतर घुस गए। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उनका इलाज मैरवा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना में घायल बाइक सवार युवकों की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव निवासी मोहम्मद अली का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सऊद अंसारी तथा गाँव के ही रहने वाले वीरेंद्र राजभर का 20 वर्षीय पुत्र धनंजय राजभर के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद अब मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने किसी तरह पीड़ित दोनों युवकों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव निवासी दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर मैरवा बाजार गए हुए थे। लौटने के दौरान यह घटना घटित हुई। वही घटना के संबंध में कुछ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों युवक काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। उनकी गाड़ी का ओवरटेक करते हुए शीतलपुरा मोड़ के पास पहुंचे थे। जैसे ही ओवरटेक करके आगे निकलना चाहा, सामने से आ रही एक ट्रक से और की बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। अगली खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार से गुजरने वाली 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बिहार में सफर की रफ्तार बढ़ाने वाली ये एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को सिलीगुड़ी, बनारस को कोलकाता, आमस को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे। नीतीश सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक समाचार चैनल को यह जानकारी दी है। भाजपा नेता नवीन लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बिहार को एक्सप्रेसवे के सौगात देने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेसवे पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के आरंभ होगा। बिदुपुर में यह बेगूसराय की ओर बढ़ेगा। पूर्णिया की ओर आगे बढ़ने के क्रम में यह नवगछिया के रास्ते भागलपुर से भी जुड़ जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर में कोसी नदी पर एक पुल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगली खबर, बिहार के भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कोरोना के 2 संक्रमितों के इलाज के दौरान शनिवार की मौत हो गई। इसके साथ ही 27 जून से लेकर अब तक कोरोना संक्रमितों की मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। इधर जिले के मायागंज अस्पताल के हेल्थ मैनेजर समेत 23 पॉजिटिव पाए गए मृतकों में एक शहर की बुजुर्ग महिला तो दूसरा खगड़िया जिले के बुजुर्ग है। शहर के मसाकचक की रहने वाली 95 वर्षीय महिला का करीब 20 दिन तक पटना इलाज चला। बीते 6 जुलाई को दोपहर बाद 2 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर अविलेश कुमार की यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में हुए कोरोना जांच में वह कोरोना संक्रमित पाई गई। उन्हें मेडिसिन विभाग HDU में भर्ती कराया गया। शनिवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं खगड़िया जिले के सोनबरसा निवासी 70 साल के बुजुर्ग को 14 जुलाई को इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें डॉक्टर राजकमल चौधरी की यूनिट में भर्ती किया गया, जहां शनिवार की उनकी मौत हो गई। मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि दोनों मृतकों को मल्टीपल डिजीज था। अगली खबर, बिहार के पूर्वी चंपारण के छतौनी थाने की पुलिस ने शहर के एक मीट हाउस के समीप से जाली नोट के 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज के पास से 8 लाख के भारतीय जाली नोट छापने वाला प्रिंटर मशीन, जाली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला 3 बंडल कागज, लैपटॉप, देसी कट्टा व कारतूस बरामद किया गया। धंधेबाजों को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया गया। SP डॉक्टर कुमार आशीष ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज में साइबर कैफे चलाता है, वहीं पर प्रिंटर से जाली नोट छापता था। जाली नोट छापकर विभिन्न जिलों में भेजता था। वह 2 लाख के असली नोट लेने के बाद 5 लाख का जाली भारतीय नोट उपलब्ध कराता था। चारों धंधेबाजों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। इसके संबंध में अन्य जिलों के संदिग्ध लोगों से भी जुड़े हैं। संबंधित जिले के पुलिस अधिकारी को सूचना